सब्सक्राइब करिए BK24 स्टडी जोन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टेस्ट है आपके लिए 30 क्वेश्चन का, जो कि मैंने जीके से ले रखे हैं। जीके से का जो है जीके काफ़ी कुछ जीके के अंदर पूछा जाता है, तो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ साइंस के क्वेश्चन सब कुछ जो है यहाँ पर मिक्स करके मैंने लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जामों में। कुछ लोग की फिलॉसफी अब ये होने लगी कि इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, तो वो कुछ बेसिक लेवल का पढ़ते ही नहीं है और लास्ट में जब एग्जाम में आता तो उनको कुछ पता ही नहीं होती हैं। तो ऐसा मत करिए, सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए अगर एग्जाम में बैठना है किसी भी तरीके से। तो 30 क्वेश्चन हैं, आप लोग मुझे बताइए कि आप जो है इन 30 क्वेश्चन में से कितने सही कर पाए। मेरा यकीन मानिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अगर नहीं कर पाए आप तो भी कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ना शुरू करिए और आराम से जो है बेसिक लेवल को पहले क्लियर करिए, उसके बाद जो है हायर पढ़िए जो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम अपना ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, हमको ये बताना है। और इसका चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, लोहा और क्रोमियम। तो मैं आंसर फटाफट बताऊंगा, अगर आपको टाइम लग रहा हो तो वीडियो रोक के आराम से अपना आंसर बता लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये चीज़ हमें बतानी है, विश्व में हरित क्रांति का जनक। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए वाला, नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की, एटम मतलब परमाणु। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, हमें ये चीज़ बतानी है। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर इसका हो जाएगा चैडविक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, बी, सी और डी। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कई बार पूछा जाता है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, तो ये जो रासायनिक नाम है विटामिन डी का ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, कौन सी आयु में जो है रिटायर होते हैं, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, 65 वर्ष की आयु में, जो संविधान का अनुच्छेद 124 खा है तो उसमें जो है ये चीज़ लिखी गई है, इनके आयु संबंधित कब इनको रिटायर होना है कब, तो उसी में इसका उल्लेख है, 65 वर्ष की आयु में जो है सेवानिवृत्त होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि निम्न में से निम्न में से किस चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद सेवंथ वाला है कि सतपुड़ा और बिंद श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी वाला, नर्मदा। ठीक है, सतपुड़ा और बिंद श्रृंखला के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है हमारा कि कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, गेंडे के लिए। ठीक है, जो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और ये असम में स्थित है, ये भी याद रखना है हमको कि असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा ये विश्व धरोहर में घोषित जो है, एक भारत में से जो भी विश्व धरोहर में घोषित किए गए हैं विश्व धरोहर स्थल, उसमें से जो है काजीरंगा एक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, असम में है ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार, तो काजीरंगा से इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए नाइन्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास कि निम्न में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। ठीक है, कोई चांद नहीं है या फिर कोई उपग्रह नहीं है, सिंपल से भाषा में कुछ भी बोल लीजिए आप। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, बुध का जो है कोई भी चांद नहीं है, इसके अलावा शुक्र का भी कोई चांद नहीं है, तो ये भी याद रखना है हमको। इसके बाद दसवां, ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि लोकटक क्या है। ठीक है, लोकटक क्या है ये हमें बताना है। तो लोकटक जो है एक झील है, तो इसको भी याद रखिएगा, मणिपुर में स्थित है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11th है कि जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये हमें बताना है। तो जिला न्यायालयों में जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है।
ठीक है, उच्च न्यायालय के जो उस जिले के जो सॉरी उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होंगे उसके जो न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श पे जो है राज्यपाल न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, जिला न्यायाधीश की। ठीक है, इसके अलावा 12वां क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। इसके बाद 13वां क्वेश्चन हमारे पास कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन बी वाला इसका सही है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा 15वां क्वेश्चन है हमारे पास कि कहाँ के चारागाह को पंपास कहा जाता है। पंपास कहाँ के चारागाह को कहा जाता है ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल हैं उनको पंपास कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा 15वां क्वेश्चन ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोहे में जंग का लगना क्या है। ठीक है, लोहे में जो जंग लगती है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है। तो वो जो लोहे में जो जंग लगता है वो रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार अगर चेंज हो जाएं तो उनको पुनः जो है उनकी पुरानी स्थिति में नहीं लाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध से दही बनता है तो दही को हम दोबारा दूध नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया दूध का। ठीक है, दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा 17वां क्वेश्चन हमारे पास है कि औसत मानव मस्तिष्क का वजन वजन होगा ये वजन कितना होता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है 1.36 kg। ठीक है, बेसिकली जो है इसका अप्रोक्सीमेट जो है 1300 से 1500 ग्राम के बीच में जो है मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 18वां है कि स्तनपाई में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसका सही आंसर ऑप्शन पी वाला है, यकृत जो है स्तनपाई में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, अग्नाशय की अगर बात करें तो अग्नाशय दूसरे नंबर पे है, तो कई बार क्या होता है कि यकृत नहीं दिया होता ऑप्शन में, इस सूरत में जो है आपको अग्नाशय सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देख लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है कि कीट भक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें निम्न की कमी होती है। किसकी कमी होती है जहाँ पर जो है कीट पक्षी पौधे उगते हैं। ठीक है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, नाइट्रोजन की कमी होती है। जिस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर कीट पक्षी पौधे उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके अलावा 20वां क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति राष्ट्रमंडल का पहला महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, कमलेश शर्मा। ठीक है, इनको जो है 2008 में महासचिव चुना गया था राष्ट्रमंडल का, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। ठीक है, कितने सदस्यों का नामांकन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये चीज़ हमें बतानी है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, 12। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है जो लोग जो है साहित्य के क्षेत्र से या फिर विज्ञान के क्षेत्र से या फिर कला से या फिर जो समाज सेवा से जुड़े होते हैं उनमें उन लोगों से उनमें ऐसे मतलब ऐसी कैटेगरी में से जो है 12 लोगों को सिलेक्ट करके राज्यसभा के लिए नामित करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत होता है तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है हमारा, जिसमें यहाँ पर आई एम सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है लिखने में शायद, ये वाला 22वां क्वेश्चन होगा, इसको चलिए ऐसे लीजिए। यहाँ पर 23वां है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन में अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, 5। ठीक है, तो पांच राज्यों में पांच राज्यों के नाम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो इन पांचों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद 24वां है कि हेरोड्स को माना जाता है, हेरोडोटस को क्या माना जाता है ये चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो हेरोड्स को जो है इतिहास का जनक माना जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
इसके बाद महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, बदायूनी। ठीक है, तो अब्दुल फजल भी इनके साथ थे, लेकिन बेसिकली इन्हें ही माना जाता है। रजनामा नाम से जो है इन्होंने महाभारत का अनुवाद किया था। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको भी देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां है कि भारत की राष्ट्रपति का महाभियोग की विधि, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई किस देश के संविधान से जो है ये ली गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यूएसए के संविधान से। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, गुजरात। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है, इसको याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर रखिएगा। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को, तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, बुल्स आई। बुल्स आई जो शब्द है उस वो जो है किस खेल से संबंधित है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, शूटिंग से। ठीक है, जो निशानेबाजी होती है उसमें से जो है बुल्स आई वहाँ से संबंधित है, तो ये चीज़ को क्लियर रखिएगा। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है हमारा कि भारत में किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको सही लगे कमेंट करके मुझे बताइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो है 29 ही क्वेश्चन हुए हैं, यहाँ पर जो है नंबरिंग की कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये चीज़ जो है इसको आप जो है कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसको 30 क्वेश्चन मानिए और इसको जो है कमेंट करके आप बताइए। साथ ही साथ मुझे बताइए कि आप लोग जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं और आप लोग जान पाएंगे कि आपकी जो जीके है वो कैसी है, मतलब स्ट्रांग है या फिर वीक है। सिंपल से क्वेश्चन थे ये, कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जामों में। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।